मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के इस आज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आज हमारे लेक्चर का विषय है। इससे पहले कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर हम बात करें, उससे पहले कि हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में जानेंगे, जैसे कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास जनक हेरोडोटस ने किया था। इतिहास का वैज्ञानिक पिता थ्यूसिडाइडीज को माना जाता है। इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि अतीतकालीन घटनाओं का जो वृत्तांत होता है वो इतिहास की विषय वस्तु होती है। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो अतीतकालीन मानवीय घटनाओं का जो विवरण है वो इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यानी कि मोटे तौर पे कहा जाए कि इतिहास मानवीय अतीतकालीन मानवीय घटनाओं का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन है। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आस का अर्थ होता था, यानी निश्चित रूप से ऐसा था, यानी निश्चित रूप से अतीतकालीन घटनाओं का जब विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो वह इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित होता है। भारतीय इतिहास के बारे में पाश्चात्य इतिहासकारों का मत है कि भारत में इतिहास बुद्धि का अभाव था, यानी भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, इस प्रकार से पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास की अपनी एक सशक्त परंपरा है, उसकी अपनी एक मौलिकता है, उसकी अपनी विशेषता है। इस दृष्टि से जो पाश्चात्य इतिहासकारों ने आरोप लगाया था कि भारत में इतिहास की कोई परंपरा नहीं है, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद तथा गलत है। इतिहास, चूंकि इतिहास एक विस्तृत और व्यापक विषय को समेटे हुए है, इसलिए इतिहास के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम ही है। इतिहास को पाश्चात्य इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर उसका विभाजन किया है और उन्होंने उस दृष्टि से देखा है इतिहास को, मतलब पाश्चात्य दृष्टिकोण से इतिहास को देखा, उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास को कभी नहीं देखा। तो इस दृष्टि से उन्होंने जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात कही है पूरी तरीके से गलत है। भारत में इतिहास की एक सशक्त परंपरा थी जिसका संकेतन, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, चाहे आप वैदिक साहित्य देखें, चाहे पुराणों को देखें, चाहे महाभारत को देखें, इस प्रकार से हमारे एक सशक्त परंपरा इतिहास की रही है, जिसको लेकर के हमारी जो चिंतन परंपरा जिसका हमेशा समर्थन करती रही है। महाभारत में इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है कि ऐसी रुचिकर कथाएं जिनसे हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की शिक्षा मिले, वो इतिहास, उसको इतिहास कहा गया। इसी प्रकार से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इतिहास के अंतर्गत इतिवृत्त को, पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र इत्यादि को सम्मिलित किया है। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहासकार उपदेशक था, भारतीय चीज़ों को सही ढंग से समझने का मर्मज्ञ था। तो इसी प्रकार से वहीं दूसरी तरफ सबसे सशक्त जो प्रमाण, सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे प्रबल और सशक्त प्रमाण जो इतिहास, भारतीय इतिहास चिंतन परंपरा के बारे में प्राप्त होता है, वो कल्हड़ की राजतरंगिणी में प्राप्त होता, जिसमें कहा गया कि सलाह्या सह एवं गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस यथस्यो सरस्वती। यानी कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में यह उल्लेख मिलता है कि वही कवि, वही लेखक प्रशंसा का अधिकारी होता है जो एकमात्र अपनी भाषा या वाणी का प्रयोग सत्य को, यानी सत्य को कहने में, निरपेक्ष भाव से सत्य को कहने में प्रयोग करता है, वह सचमुच इतिहासकार होता है। कल्हड़ ने निश्चित रूप से इतिहास के इस जो विशेष संदर्भ को उल्लिखित अपने राजतरंगिणी में किया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, पूरे दृश्य को देखें, तो भारत में इतिहास लेखन की एक अपनी एक परंपरा थी
जिसमें मूल्यों का, सिद्धांतों का, आदर्शों का बाहुल्य है। इस दृष्टि से भारतीय जो चिंतन परंपरा है, भारतीय जो लेखन है, भारतीय जो हिस्टोरिकल सेंस है, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य परंपरा द्वारा लगाए गए सारे आरोपों पर पूरी तरीके से गलत साबित करता है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि भारत में इतिहास की अपनी एक परंपरा थी, एक उसकी एक अपनी शैली थी, उसकी अपनी एक पद्धति थी, जिसको सभी, चाहे वो पाश्चात्य इतिहासकारों हों, चाहे वो अन्य इतिहासकार हो, इतिहास से जुड़े लेखक हों, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। तो आज इस विषय के अंतर्गत हम विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों पर आपसे चर्चा करेंगे। सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक के अंतर्गत भी दो उसके विभाजन है, जिसमें धार्मिक है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष है। धार्मिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथ को लेते हैं, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ को लेते हैं, जैन ग्रंथ को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सर्वप्रथम वेद की चर्चा की जाती है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम वेद को माना जाता है। वेद भारतीय परंपरा में चार वेदों की परिकल्पना की गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद ये कहा जाता है कि ये आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है उनके इतिहास के बारे में जानने का। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,462 इसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक ऐतिहासिक प्रसंग जो प्राप्त होता है, जिससे हम इतिहास के बारे में, इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त करते हैं, वो है कि दो प्रमुख जनों के बीच युद्ध, पुरु और भरत, ये दो वैदिक काल के प्रमुख जन थे जिनके बीच युद्ध होता है, यानी कि दो दस, जिसका उल्लेख दशराग युद्ध के नाम से हम जिसको जानते हैं। इसमें जो भरत जन का राजा था वो सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि दूसरी तरफ 10 राजाओं का जो एक संघ था उसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इन दोनों जनों के बीच रावी नदी यानी प्रसरणी नदी के तट पर संघर्ष होता है, जिसमें भरत जन का जो नेता सुदास था वो विजयी होता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 5वें, 7वें तथा 10वें मंडल में इस दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक ये प्रसंग है जो कहीं ना कहीं भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता करता है। तो इसी प्रकार से ऋग्वेद को आप और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो पुरुष सूक्त है, जिसमें पहली बार चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है, तो इस दृष्टि से भी ऋग्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है। यह वेद मुख्य रूप से गद्य और पद्य में है। इसमें यज्ञों के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में, कर्मकांडों के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। इसके दो भाग हैं, जिसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से आप जानते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आपका वेद है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का कहा जाता है कि महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें संगीत से जुड़े विविध पक्षों पर सम्यक जानकारी प्राप्त होती है, जो भारतीय संगीत यानी भारतीय संगीत परंपरा का एक सशक्त उदाहरण या आप कह सकते हैं एक उसका प्रतीक है। तो और अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद। कहा जाता है कि ये अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इस वेद का
निर्माण हुआ। अथर्वा इस वेद में मुख्य रूप से औषधियों के बारे में, रोग निवारण के बारे में, वशीकरण मंत्रों के बारे में, जादू टोना इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि चारों वेदों से सामूहिक रूप से आप आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद के बाद हम उसी क्रम में बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि कौशितिकी और ऐतरेय ब्राह्मण की चर्चा की जाती है, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे तत्कालीन इतिहास के बारे में, तत्कालीन स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक की बात की जाती है। आरण्यक, अरण्य यानी जंगल से इसका संबंध जोड़ा जाता है, यानी कि ज्ञान मार्ग, एक तरीके से ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होने का एक तरीके से या प्रतीक यह माना जाता है, आरण्यक ग्रंथ माना जाता है, कि लोग जंगलों की तरफ शिक्षा ग्रहण के लिए अग्रसर होते हैं। तो इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी, तत्कालीन जो पद्धति थी, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो अन्य परंपरा की बात हो, उससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद में निश्चित रूप से आप देखें कि इसमें जो इसका मुख्य प्रतिपाद विषय है वो आत्मा और ब्रह्मा का विवेचन है। उपनिषद का अर्थ होता है कि उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि जब शिष्य गुरु के निकट शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठता था तो उसको उपनिषद के अंतर्गत रखते थे। और इसमें गुरु अपने शिष्य को तमाम रहस्यमय ज्ञान के बारे में बहुत सम्यक ढंग से, बहुत सार्वगर्भित तरीके से बताता था। मुक्त उपनिषद में 108 उपनिषद की चर्चा की गई है, जिसमें कि बहुत मुख्य रूप से जैसे मांडुक है, केन उपनिषद है, इस प्रकार से तमाम उपनिषदों की हम चर्चा करते हैं, जिनसे तत्कालीन इतिहास, तत्कालीन ज्ञान परंपरा, तत्कालीन ज्ञान मीमांसा के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। उपनिषद साहित्य के बाद आप देखेंगे वेदांग की बात की गई। वेदांग यानी वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से उनकी व्याख्या करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग यानी वेद के अंग। वेद के 6 अंग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण की चर्चा की जाती है। इसमें आप देखिए कल्प में, कल्प सूत्र में देखिए स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, इसमें तत्कालीन लौकिक पारलौकिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखें कि वेदांगों से भी तत्कालीन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारलौकिक हो, चाहे वो लौकिक हो, जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि महाकाव्य की बात हम करते हैं। महाकाव्य का तात्पर्य रामायण और महाभारत से लिया जाता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण में मुख्य रूप से कुल 7 कांड हैं। इसमें कहा जाता है कि आप 24,000 इसमें श्लोक हैं। इस प्रकार से रामायण के बारे में कहा जाता है। रामायण से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होती है। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिससे हमें तमाम परंपराओं के बारे में, मर्यादाओं के बारे में, मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके आधार पर आप एक चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि रामायण निश्चित रूप से हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारे मूल्यों का प्रतीक है, हमारे सिद्धांतों का, हमारे आदर्शों का प्रतीक है। इस दृष्टि से रामायण से आप तत्कालीन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो आदर्श हो, उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद महाभारत की बात की जाती है। महाभारत
का प्राचीन नाम जय संहिता, उसके बाद भारत महाभारत, इस प्रकार से महाभारत की चर्चा की जाती है। महाभारत में कहा जाता है 1,00,000 श्लोक हैं, इस प्रकार की चर्चा की जाती है। महाभारत की सबसे खास विशेषता ये है कि इसमें जो महाभारत का शांति पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण ये अंश है इसका, इसमें कुल 18 पर्वों की बात की गई है। पर्व का अर्थ मतलब अध्याय या चैप्टर से होता है। शांति पर्व में जिसमें कि आप देखेंगे कि पहली बार ज्ञान और कर्म की बात की गई है, तो निश्चित रूप से यह महाभारत तत्कालीन अनेक पक्षों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें अनेक संघर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि महाकाव्य काल से हमें उस काल की समग्र परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्राप्त करते हैं। महाभारत के बाद अगला जो क्रम है वो पुराण है। पौराणिक साहित्य की हम बात करते हैं, पुराण का अर्थ होता प्राचीन, यानी कहा जाता है कि प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध घटनाओं, यानी उसके घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत पुराण को माना जाता है। पुराण का अर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन होता है, 18 पुराणों की बात की गई है। पुराणों की ऐतिहासिकता पर सबसे पहले पारजीटर ने उसके ऐतिहासिकता की तरफ इतिहासकारों का, विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। पुराण से हमें अनेक तत्कालीन राजवंशों के विषय में, जैसे कि आप मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से और अन्य पुराण हैं जिनसे आप तत्कालीन वंशों, राजवंशों, उनकी उपलब्धियों, घटनाओं आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें कि पुराण का कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में। और एक चीज़ और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पुराण में इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो मुझे लगता है कि इतिहास का सबसे एक सबल और सशक्त प्रबल प्रमाण माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि सर्गस प्रतिसर्गस वंशो मनवंतराणी चा वंशानुचरित चैनम पुराणम पंचलक्षणम, यानी कि इस सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित पुराण के 5 लक्षणों की बात अमरकोश यानी अमर सिंह की रचना अमरकोश में बताई गई है। तो निश्चित रूप से ये इतिहास के पुनर्निर्माण में, इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक तत्व के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद आप देखेंगे पुराण के बाद स्मृति ग्रंथ की बात करते हैं। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आप देखेंगे स्मृतियों में विशेष रूप से मनुस्मृति, जो जिसकी रचना काल शुंग काल मानी जाती है, इसके अलावा याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति को गुप्तकालीन माना जाता है, जबकि पराशर स्मृति गुप्तोत्तरकालीन मानी जाती है। यानी स्मृतियों से आप तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक के साथ साथ सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो आपने देखा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपने देखा वेद, फिर उसके 4 प्रकार हैं, फिर वेदांग है, आरण्यक है, उपनिषद है, इस प्रकार से आपने देखा कि ये सब धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथ की हम बात करते हैं, वो भी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, धार्मिक जो ग्रंथ है उसी के अंतर्गत है। बौद्ध ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पिटक की बात करते हैं। पिटक यानी जिसका अर्थ ब्यूलर और रिज डेविड्स ने उसका अर्थ टोकरी बताया है, यानी कि बुद्ध के वचनों को एक तरीके से संग्रहित किया गया। बुद्ध ने जो देशना दी थी, जो उपदेश दिया था, वो समय समय पर उनके संग जो उनके उपदेशों को संकलित किया गया था, तो एक तरीके से वो पिटक से उसका तात्पर्य लिया जाता है। पिटक के अंतर्गत त्रिपिटक की बात की जाती है, यानी 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं,
जिसमें आप देखेंगे कि दीघ निकाय, मंझिम निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय, इस प्रकार से इसके पांच निकाय की चर्चा की गई है। यानी कि सुत्त पिटक में पांच निकायों की चर्चा की गई है, जिससे आप तत्कालीन यानी बुद्धकालीन अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। बुद्ध ने किन किन स्थानों पर क्या क्या उपदेश दिया, चाहे वो सारनाथ में हो, चाहे वो अन्य जगहों पर हो, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इन पिटकों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो सुत्त पिटक यानी कि यह बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश थे, उन्होंने जो समय समय पर अपने साथियों को दिया, उसका एक तरीके से संकलन इस सुत्त पिटक में किया गया। दूसरा जो पिटक है वो विनय पिटक। विनय का अर्थ होता है जिसमें आचरण से संबंधित, व्यवहार से संबंधित बातों की चर्चा की गई। यानी भिक्षुओं के जो उस तत्कालीन भिक्षु थे, चाहे भिक्षुड़ी हो, उनके नियम, उनके आचरण इत्यादि के बारे में इस पिटक से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पिटक के तीन भाग हैं। तीसरा जो पिटक है वो अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मुख्य रूप से इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। यानी कि इसके भी सात अंग बताए गए हैं, जिससे आप तक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, यानी कि आप तमाम स्रोतों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि सुत्त पिटक के अंतर्गत जो अंगुतर निकाय है, जिसमें एक पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय 16 महाजनपदों के बारे में अंगुतर निकाय नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है जानकारी। तो इस पूरे अगर आप बौद्ध साहित्य को देखें, तो उस काल की तत्कालीन यानी इतिहास के पुनर्निर्माण में बौद्ध साहित्य यानी या कह सकते हैं पाली साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद हम जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे इसमें भगवती सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, सूत्र कृतांग हैं, अंग हैं, उपांग है। इन तमाम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, इन तमाम ग्रंथों के आधार पर तत्कालीन स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, तो उससे आप उस काल की यानी तत्कालीन स्थितियों के बारे में आकलन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आप देखेंगे, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है जो विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही, धर्मनिरपेक्ष स्रोत के अंतर्गत आप रखते हैं। भारत में समय समय पर तमाम विदेशी यात्रियों का आगमन होता है, जिन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर भारत के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की, जिनसे आप इतिहास के बारे में पुनर्निर्माण यानी इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उसी क्रम में आप देखें तो जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, वो चार उसकी कैटेगरी है, चार उसके प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले यूनानी इतिहासकारों की बात की जाती है, यूनानी यानी यूनानी इतिहास लेखकों की बात की जाती है। दूसरा जो है आपका चीनी इतिहासकारों का वर्ग है। तीसरा तिब्बती इतिहासकारों का वर्ग है। चौथा मुस्लिम इतिहासकारों का वर्ग है। ये चार विदेशी यात्रियों के वर्ग हैं। सबसे पहले हम यूनानी इतिहासकारों की बात करते हैं। यूनानी इतिहासकारों में कहा जाता है कि सबसे पहले स्काइलैक्स और हिकेटियस मिलेट्स की बात की जाती है, जिन्होंने जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु के बारे में जानते थे। यानी कि स्काइलैक्स और हिकेटियस मिलेट्स जो सिंधु नदी के बारे में जानकारी रखते थे, तो उनके
यात्रा वृत्तांतों से, उनके विवरणों से आप तत्कालीन स्थितियों के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए उनमें निर्याकस, एरिस्टोबुलस और आनेसिक्रीटस की बात की जाती है। ये सिकंदर के साथ इतिहासकार आए थे जिन्होंने भारत के बारे में, इनके विवरण तो प्राप्त नहीं होते लेकिन जो बाद की जो हमें टिप्पणियाँ या जो उद्धरण प्राप्त होते हैं, चाहे स्ट्रैबो, पिल्लनी के जो उद्धरण प्राप्त होते हैं, कोटेशन प्राप्त होते हैं, उनसे हम तक उसके बारे में, उस काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि सिकंदर के साथ निर्याकस, वो कहा जाता है कि उसका जल बेड़े का सेनापति था निर्याकस, और इसी तरीके से एरिस्टोबुलस जो था और आनेसिक्रीटस, इन तीनों लोगों ने इतिहास के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कहा लेकिन मूल रूप से इनके विवरण प्राप्त नहीं होते। इनके विवरण बाद के जो विद्वान है या इतिहासकार हैं उनके उद्धरणों से, उनके कोटेशन से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद जो सिकंदर के साथ आते हैं आप, उसमें देखेंगे मेगास्थनीज है, डाइमेकस है और डायोनीसियस है। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण जो सिकंदर के बाद आते हैं उनकी चर्चा की जाती है। मेगास्थनीज ये सेलुकस का राजदूत था, ये सभी जानते हैं, जिसके बारे में जिसकी किताब इंडिका है वह मूल रूप से प्राप्त नहीं होती लेकिन बाद के जो इतिहासकारों के जो कोटेशंस हैं उनसे हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका से। इसके अलावा डाइमेकस ये कहा जाता है कि बिंदुसार के समय सीरियाई नरेश, एंटिओकस का राजदूत था, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसी प्रकार डायोनीसियस जो सम्राट मौर्य शासक अशोक के समय में आया था, जो कहा जाता है कि मिस्री नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो इस प्रकार से विदेशी यात्रियों ने समय समय पर अनेक तत्कालीन शासकों के शासनकाल में आए और उन्होंने अपने संस्मरणों में, अपने यात्रा विवरणों में इतिहास से, यानी भारत के बारे में, भारत के तमाम संदर्भों का अपने यात्रा संस्मरणों में उसका उल्लेख किया है, जिनसे आप भारतीय इतिहास का एक समग्र चित्र आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चीनी इतिहासकारों की बात करेंगे। चीनी इतिहासकारों में, चूंकि चीनी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बौद्धिक दृष्टि यानी बौद्ध दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया है और चीनी इतिहासकारों ने अनेक समय समय पर अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया, उससे उन्होंने जो सूचनाएं एकत्रित की उसके बारे में, चाहे भारत के बारे में चाहे अन्य प्रसंग हो, उसके बारे में जो उसने सूचनाएं एकत्रित की उससे आप उस काल की स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले सुमा चियन की बात करते हैं, जिसे चाइना का या चीन का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इसके बाद हम फा ह्यान की बात करते हैं। फा ह्यान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, जिसने भारत के उस तत्कालीन यानी जिस शासक के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उस काल की अनेक स्थितियों का, वो चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक, वो तमाम स्थितियों के बारे में अपने संस्मरण में, अपने यात्रा विवरण में उसका जिक्र या उल्लेख करता है। फा ह्यान के बाद सुंग युन की बात की जाती है। फा ह्यान के बाद यह यात्री आता है 7वीं शताब्दी के आसपास। इसने भी भारत के बारे में अनेक सूचनाएं प्रदान की है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री आता है वो ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय जो महत्वपूर्ण शासक था उसके दरबार में या उसके शासनकाल में आया था। उसकी जो उसने अपने
यात्रा भ्रमण में जिन जिन चीज़ों का उसने उसका उसको एकत्रित किया, जिसका उसने उसने अपने कलेक्शन किया, उसको सी यू की के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है यात्रा वृत्तांत। और उसने हर्षवर्धन के समय अनेक, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, तमाम उसने प्रसंगों का, तमाम उसने संदर्भों का अपने यात्रा विवरण में उल्लेख किया है या जिक्र किया है। तो इस दृष्टि से आप होयसांग के यात्रा विवरण से भी तत्कालीन स्थितियों के बारे में, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में आप एक समग्र चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अगला चीनी यात्री इतसिंग था। इतसिंग के बारे में इतसिंग ये चीनी यात्री था, इसने भारत की यात्रा की, इसने तमाम शैक्षणिक संस्थानों का इसने भ्रमण किया, जिसमें नालंदा और विशेष रूप से नालंदा की बात वो करता है अपने यात्रा विवरण में। उस किस प्रकार से नालंदा में उस काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, संस्मरण में अपने विवरण में उसका उल्लेख करता है। इसके बाद आप देखेंगे चीनी यात्रियों के ही क्रम में आप देखेंगे मा त्वान लिन और चाऊ जू कुआ, ये दो चीनी यात्री हैं जिनके से बारे में मा त्वान लिन से हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि चाऊ जू कुआ से चोल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो चीनी इतिहासकारों के विवरणों से आप भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण समग्र दृष्टिकोण से, यानी समग्रता से कर सकते हैं। जो जो विवरण उन लोगों ने प्रदान की है उसके आधार पर आप प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तिब्बती इतिहासकारों की। तिब्बती इतिहासकार में सबसे महत्वपूर्ण नाम लामा तारानाथ का लिया जाता है। लामा तारानाथ की दो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है कंग्यूर ये दो महत्वपूर्ण किताब है लामा तारानाथ की, जिनसे तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है उसके क्रम में, इतिहासकारों के क्रम में मुस्लिम इतिहासकारों का एक वर्ग है। मुस्लिम इतिहासकारों में मुख्य रूप से हम अलबरूनी की चर्चा करते हैं। अलबरूनी खीवा का निवासी था, ख्वारिज्म का निवासी था, जिसकी किताब का नाम तहकीके ये हिंद यानी भारत की खोज भी कहा जाता है उसको। उसने अपनी पुस्तक में तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, चाहे वो सामाजिक हों चाहे वो राजनैतिक हैं हो, उसके बारे में उसने अपने उस ग्रंथ में उसका उसने उल्लेख किया है। इसके अलावा अन्य जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जिसमें अल मसूदी है, अल बिलादुरी है, सुलेमान है, फरिश्ता है, आदि अनेक मुस्लिम इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में, यानी समय समय पर जो भारत के विषय में जो महत्वपूर्ण सूचना इन मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों से, उनके ग्रंथों से, उनके जो हैं पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ है उनसे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इस आधार पर आप एक समग्र दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि विदेशी जो यात्रियों के विवरण से आप प्राचीन भारतीय इतिहास का एक उसके निर्माण की एक रूपरेखा आप पूरा प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं से, उनके विवरणों से, उनके तमाम संस्मरणों से जो समय समय पर प्राप्त हुए हैं उनसे आप प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण यानी उसको प्राचीन भारतीय इतिहास को उससे जान सकते हैं। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम दूसरे विषय यानी पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित
विषय पर बात करेंगे अगले आपके अपने वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।